कि नीतीश कुमार जी कहीं भी अपने आप को प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं बता रहे हैं और ना दिख रहे हैं वो। नीतीश बाबू एक बहुत बड़ी उनकी कोशिश है, उनकी पहल है वो सबको जोड़ने की, सबको जोड़ने की और एक नई दिशा में नए लोगों को सामने लाकर एक प्रभावशाली नेतृत्व को सामने लाना है, ये उनका इरादा है। बजरंग दल को बजरंग बली से तुलना करके उन्होंने किया, क्या हुआ परिणाम? लगता है कि बहुतेरी सीटें जो हैं, सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं वो विपक्ष की झोली में आएगी। बल हो जी, हमारे पास समर्थन हो तो कौन नहीं हो सकता, आप भी हो सकते हैं और हम भी हो सकते हैं, ये तो मैं आज से नहीं शुरू से कह रहा हूँ। लेकिन इस वक्त मैं आपको इतना कह देता हूँ जो खुद नीतीश कुमार ने कहा है, नीतीश बाबू ने खुद कही है इस बात को और उनके लोगों ने भी कहा है, ललन बाबू ने भी कहा है कि नीतीश कुमार जी कहीं भी अपने आप को प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं बता रहे हैं और ना दिख रहे हैं वो। नीतीश बाबू एक बहुत बड़ी उनकी कोशिश है, उनकी पहल है वो सबको जोड़ने की, सबको जोड़ने की और एक नई दिशा में नए लोगों को सामने लाकर एक प्रभावशाली नेतृत्व को सामने लाना है, ये उनका इरादा है, ये उनकी मंशा है और ये कह चुके हैं खुद। आप पटना से सांसद भी रह चुके हैं, क्या लगता है कि बिहार की स्थिति क्या होगी, 40 सीट में कितनी सीट महागठबंधन को आएगी? देखिए, मैं कोई ज्योतिष तो हूँ नहीं कि कह दूँ कितनी सीटें आएंगी, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जो लोगों ने चमत्कार होगा जी। और ख़ासकर आज के दिन में जिस तरह से विपक्ष की एकता और विपक्ष का नेतृत्व और विपक्ष का जो रिजल्ट आ रहा है, जैसे हमने सिर्फ हिमाचल की बात नहीं कर, अभी ताज़ा आपने कर्नाटका में देखा जी, जी। और जिस तरह से उन्होंने रिलीजन का कार्ड खेलने की कोशिश की, बजरंग दल को बजरंग बली से तुलना करके उन्होंने किया, क्या हुआ परिणाम? विपक्ष को और ख़ासकर कांग्रेस को बजरंग बली का भी आशीर्वाद मिला और उनकी वजह से शायद पूरे जनता जनार्दन का भी आशीर्वाद मिला और समर्थन मिला। तो ये जो है, मुझे लगता है कि बहुतेरी सीटें जो हैं, सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं वो विपक्ष की। ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक।